अरे क्या हाल है? ठीक है ना? ठीक है भैया। आप जब तक कॉलेज से नहीं होते हो ना, हम अकेला ऐसे छटपटा होकर बरारा करी थे। मैं जानता हूँ। चलो ठीक है भैया। आप तो एक महीने की छुट्टी होगी भाई? नहीं, एक महीने की छुट्टी नहीं है, केवल 15 दिन की छुट्टी है। ये इलेक्शन की तरह। जी हाँ। नहीं ठीक है भैया, बैठो फिर, लाओ कुछ मंगाओ खाओ। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे लगता है यही है विक्रम सिंह का भाई विजय सिंह। ठीक, मैं सामने से मुलाकात करता हूँ। कौन छोटे? कौन भैया? जग्गू। तो कैसे आना हुआ कहो छोटे साहब, कैसे? थी गांव में जो तुमको शहर आना पड़ा, घूमते फिर रहे हो यहाँ दर बदर। छोटे आखिर बात क्या है जो गांव छोड़कर तुम शहर में? भैया और सामने दिख रहा जो अरे बड़ा सा मकान। ठहरो ठहरो, ये सफेद वाला? हाँ भैया, वो सामने जो दिखाई पड़ रहा है, देखिए। और सामने दिख रहा जो अरे बड़ा सा मकान, मेरे भैया उसी में मैं रहता। यहाँ उस मकान में रहते हैं? के लिए जाता हूँ मैं, शाम को इसी वक्त और लौट कर आता हूँ मैं, और आप बतलाए अब जा रहे हैं कहाँ? भैया आप कहाँ जा रहे हैं? करोगे जान कर, जा रहा हूँ धर्मशाला, वहाँ रुकूंगा रात भर, रुपया मंडी में लेना हो तो फजल। बिल्कुल सुबह मुझे मंडी में रुपया लेना है। रुकना हो अगर मेरे यहाँ रुक जाइए, अपना ही समझे मकान, जब जी चाहे तब जाइए, और बात सच्ची मैं कहता न कोई कसर।
सीधे यहाँ जाऊंगा, हर खबर परिवार की मैं साथ लेकर आऊंगा, दोनों बन कर रहेंगे हम मिसले बदल, एक भाई की तरह रहेंगे। इसके लिए चिंता मत करो भैया, आप आइए हमारे साथ हमारी कमरे पर, चलिए चलिए छोटे, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं मालूम है। आइए यहाँ पर तो कोई आदमी नहीं रहता है? नहीं, यहाँ कोई नहीं रहता, मैं अकेला रहता हूँ। इसका मतलब आप बैठिए, मैं आपके खाने के लिए कुछ इंतजाम करूँ। नहीं नहीं छोटे, खाने के लिए व्यवस्था मेरे पास है, बैठो आज खाओ, और जो होगा कल देखा जाएगा, बैठ जाओ।